हेलो स्टूडेंट्स, मैं शची अपने चैनल क्रैक केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है फॉर्मूला मास। हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा है कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मूला मास क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सेकेंड्स में सॉल्व कर सकें। तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाले इम्पोर्टेंट अपलोड्स के विषय में जानकारी मिलती रहे। और एक और चीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मूला मास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूला मास होता क्या है। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला मास हम यूज करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, और आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं जिनको हम कैटायंस बोलते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं जिनको हम एनायंस बोलते हैं। यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। जिस फोर्स से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयंस आपस में जुड़े होते हैं उसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड्स। तो वो कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड्स होता है उनको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी समझाए थे वो पॉइंट्स इस स्लाइड पर लिखे हुए हैं। अब हम कुछ आयोनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारे कुछ आयोनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आप सभी के साथ आयोनिक कंपाउंड्स के विषय में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियोस में भी देखा है कि कुछ हमारे कंपाउंड्स होते हैं जैसे वाटर जिसका फॉर्मूला H2O है, या कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO2 है। ये सभी एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल से हमारा मतलब है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके अपोजिट आयोनिक कंपाउंड्स एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि जब ये एक सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड्स के केस में जो आयंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव चार्ज आयन है इसको डेफिनेट नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन सराउंड कर रहे होंगे, इसी तरह से नेगेटिव चार्ज आयन्स को डेफिनेट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन सराउंड करते हैं, और इसी तरह से हमें एक डेफिनेट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट मिलता है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड के केस में बात करें तो सोडियम क्लोराइड के केस में हर एक सोडियम आयन जो है ये 6 क्लोराइड आयन से सराउंड होता है। इसी तरह से हर एक क्लोराइड आयन जो है वो सराउंड हो रहा है 6 सोडियम आयन्स के द्वारा। इसकी वजह से हमें सोडियम क्लोराइड का एक डेफिनेट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट मिलता है। जो पॉइंट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था वो पॉइंट इस स्लाइड में लिखा है। अब हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता क्या है। इस स्लाइड में आप सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो पिंक कलर के सर्कल से रिप्रेजेंट किया है ये है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन सोडियम आयन से थोड़ा बड़े साइज का होता है। आप जो ब्लू कलर के बॉल से आपको दिख रहा है वो है सोडियम आयन। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जो क्लोराइड आयन है जो पिंक कलर की बॉल से एक्सप्रेस किया गया है ये 6 सोडियम आयन से सराउंड हो रहा है, और 6 सोडियम आयन्स इसको एक ऑक्टाहेड्रल वे में सराउंड कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि सोडियम आयन की इसका क्या केस है। सोडियम आयन जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लू कलर की बॉल से, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी 6 क्लोराइड आयन से ऑक्टाहेड्रल वे में सराउंड हो रहा है।
इसका मतलब हुआ कि एक सोडियम आयन सराउंड हो रहा है 6 क्लोराइड आयन्स के द्वारा, इसी तरह से एक क्लोराइड आयन सराउंड हो रहा है 6 सोडियम आयन से। तो हम इन केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ये एक सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एक्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। NaCl जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला यूनिट है जो कि हमें सिंपल रेशियो बता रहा है कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स के केस में क्या रेशियो है। एक सोडियम आयन को सराउंड कर रहे हैं 6 क्लोराइड आयन, इसी तरह एक क्लोराइड आयन को सराउंड कर रहे हैं 6 सोडियम आयन। तो यहाँ पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रेशियो है 1:1, तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मूला यूनिट हुई NaCl। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके केस में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं वर्ड फॉर्मूला यूनिट। एक पॉइंट और मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी, आप इसे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन काफी दूर दूर हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर जो है आपको समझाने के लिए दिखाया गया है, इसलिए क्लोराइड आयन्स और सोडियम आयन्स को थोड़ा दूर दिखा दिया गया है। वास्तव में क्या होता है कि जो अपोजिट चार्ज आयन्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर रिजिड होता है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं एक दूसरे डायग्राम के साथ शो करना चाहूंगी। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक सोडियम आयन है इसको 6 क्लोराइड आयन सराउंड कर रहे हैं, इसी तरह एक क्लोराइड आयन जो है वो 6 सोडियम आयन से सराउंड होगा। अब आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, ये है सोडियम क्लोराइड का बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर जिसमें कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छे से समझ में आ गई है। आपको सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स के केस में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड यूज नहीं कर सकते, हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट हमें बताती है कि आयोनिक कंपाउंड्स में जो आयन्स प्रेजेंट है उनके बीच में रेशियो क्या है। जैसे आयोनिक कंपाउंड अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स के बीच का रेशियो है 1:1। इसी तरह अगर हम एक और आयोनिक कंपाउंड ले लें कैल्शियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CaCl2, यहाँ पर कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में रेशियो है 1:2 का। जो पॉइंट मैंने आपको समझाया वो पॉइंट यहाँ पर इस स्लाइड में लिखा हुआ है। अब इसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि हम मॉलिक्यूल्स के लिए वर्ड यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ड फॉर्मूला यूनिट मास, या सिंपली इसको हम फॉर्मूला मास भी लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। बच्चों, फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करने का बिल्कुल वही तरीका है जो कि हमने यूज किया है मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते समय। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि फॉर्मूला यूनिट जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। तो हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मूला यूनिट है उसमें कितने सोडियम एटम है और कितने क्लोरीन एटम है, बस उनके एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर देंगे। तो चूंकि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मूला यूनिट में एक सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम है, हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमें पता है 23 होता है, इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन होता है 35.5। इनको जब हम ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 58.5 U। तो हमने फॉर्मूला यूनिट मास सोडियम क्लोराइड का निकाल लिया जो आया 58.5 U। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का। मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम सबसे पहले हम लेंगे। हम जानते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम होता है 40 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा हम 2 क्यों ले रहे हैं। हम 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके फॉर्मूला यूनिट में 2 क्लोरीन एटम्स हैं। तो 2 इंटू
एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन होता है 35.5। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 40 प्लस 2 इंटू 35.5 जो है वो हो गया 71। इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आ जाएगा 111 U। सो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास हुआ 111 U। बच्चों मुझे उम्मीद है कि जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आपने उनको बहुत अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। इसमें मैं मोल कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी और आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व कर सके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।